नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में अपन ने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, जो डिग्रीज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो डिस्कस की थी। परफेक्टली इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है, ठीक है। तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सप्लाई, ठीक है। तो अपनी जो डिमांड थी, डिमांड के तीन चार वीडियोज बने थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आज अपन सप्लाई स्टार्ट करेंगे। सप्लाई क्या होती है, उसके बाद सप्लाई शेड्यूल है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सप्लाई से। तो सप्लाई क्या होती है, सप्लाई होती है इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस ऑफर्ड बाय ए प्रोड्यूसर फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस इन ए मार्केट। कोई भी प्रोड्यूसर्स है, अपन डिमांड में तो बात कर रहे थे कंज्यूमर के सेंस में, ठीक है। डिमांड में कंज्यूमर के सेंस में बात कर रहे थे, अब सप्लाई में अपन प्रोड्यूसर्स के सेंस में बात करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स या अपन बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के सेंस में अपन फार्मर्स ले सकते हैं यहाँ प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। तो इस सप्लाई क्या होती है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है या फार्मर है, अपन फार्मर एग्जाम्पल ले रहे हैं, फार्मर है, ठीक है। तो फार्मर अपनी जो क्रॉप ग्रो करता है, ठीक है, उससे जो आउटपुट मिल रहा है या प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को, ठीक है, प्रोड्यूस मिल रहा है, तो उस प्रोड्यूस को वो क्या करेगा, मार्केट में बेचने जाएगा, ठीक है। और किस रेट पे, वो जो प्राइस है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस है, उस प्राइस पे जो फार्मर है वो मार्केट में ले जाएगा प्रोड्यूस को और वहां क्या करेगा, बेचता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सप्लाई है, ठीक है। जो फार्मर है वो फील्ड से मार्केट में जो अपना प्रोड्यूस ले जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है उस प्रोड्यूस की, ठीक है। तो वो क्या है, सप्लाई। तो सप्लाई क्या होती है, इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस ऑफर्ड बाई ए प्रोड्यूसर फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस इन ए मार्केट, ठीक है। यहाँ जो मार्केट में जो पर्टिकुलर प्राइस है, उस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उस प्राइस पे वो क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगी, सप्लाई। तो सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हुई, फार्मर, अपन फार्मर के सेंस में बात करें तो जो आउटपुट आया फार्मर का, ठीक है, तो जो फील्ड से मार्केट में अपन जो प्रोड्यूस ले जा रहे हैं या प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, बेचने के लिए एट ए पर्टिकुलर प्राइस, तो वो क्या है, सप्लाई है, ठीक है। अपन सप्लाई में प्रोड्यूसर्स के सेंस में बात करेंगे और जो डिमांड थी उसमें कंज्यूमर के सेंस में बात कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल होता है जो अपनी प्राइस है, एक तो प्राइस है और अपनी जो मतलब जो यूनिट प्राइस है उस पे अपन कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी, एक है क्वांटिटी सप्लाइड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है QS, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। देखिए पर्टिकुलर प्राइस पे अपनी जो सप्लाई है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सप्लाई शेड्यूल बताता है, ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस, ठीक है। अपन प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई है उन दोनों की अपन क्या करें, एक टेबल बनाए या लिस्ट बनाए, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्राइस ले ली 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये जो प्राइस है वो किस, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, रुपीज पर केजी, ठीक है। मान के चल रहा हूँ इसकी जो केजी में मान रहा हूँ, क्विंटल में नहीं मान रहा, ठीक है। तो प्राइस है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो और इसकी यूनिट है वो क्या, रुपीज पर केजी, और यहाँ जो क्वांटिटी है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी होगी, ठीक है। जब प्राइस 1 है, लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई है उसके सेंस में क्या होगा, या फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं, अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपन लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो यहाँ प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। मैं मान लेता हूँ 10 है, 20, 30, ठीक है। तो ये जो प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप अपन एक लिस्ट में बता रहे हैं वो क्या है, सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब इस सप्लाई शेड्यूल से अपन एक सप्लाई कर्व बना देते हैं, कैसे
कैसे बनाएंगे? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? क्वांटिटीज, क्वांटिटी आएगी जो क्या है, सप्लाइड, जो अपन क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आएगी प्राइस, ठीक है? तो प्राइस है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर जो क्वांटिटी वो है 10 20 30 40, ठीक है? तो अपन इनको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक क्या आएगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच, ठीक है? तो एक ऐसी जो कर्व है, सप्लाई कर्व कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है यहाँ, ठीक है? जो सप्लाई कर्व है इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि जो प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड है उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स अगर प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी, और प्राइस घटती है तो जो क्वांटिटी है सप्लाइड वो भी कम होगी, ठीक है? तो जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अपन लॉ ऑफ सप्लाई में यही पढ़ेंगे, प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई है उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट अपन चलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ, ठीक है? तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई है उनके बीच अपन एक लिस्ट बनाते हैं, या जो अपने जो टेबल आ रही है जो इन दोनों के बीच क्या दर्शाती है, रिलेशनशिप को, किसके बीच, प्राइस और सप्लाई के बीच, ठीक है? तो वो सप्लाई शेड्यूल है। और सप्लाई कर्व क्या होता है, ये जो सप्लाई शेड्यूल है इसको अपन ग्राफ पे प्लॉट कर दे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, दैट इज सप्लाई कर्व, ठीक है? तो ये क्या है, सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अपन लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई में पूछता है कि जो प्राइस और जो क्वांटिटी है उनमें जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ठीक है? तो जो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, प्राइस और जो क्वांटिटी है सप्लाइड उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है? और लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, इनडायरेक्ट था, ठीक है? तो यहां बात करेंगे अपन लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी है सप्लाइड उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा या पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, ठीक है? पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है? जो रिलेशनशिप है प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड उनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप मींस अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ती है, ठीक है? और किसी कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो कम हो रही है तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है? तो ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है? तो अपन एक वही जो अभी सप्लाई शेड्यूल में टेबल बनाई थी वैसे ही अपन एक टेबल बनाते हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की, ठीक है? तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब ए प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है? तो मान लेते 1 2 3 4, वही सब कुछ 10 20 30 40, ठीक है? और इसी टेबल को अपन जो ग्राफ है उसमें प्लॉट करें तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? तो जो कर्व आएगा यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड है और यहाँ प्राइस है, ठीक है? तो जो जो सप्लाई कर्व है उसका जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्लोप है ये, ठीक है? पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड है उनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप को बताया था। अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है, और प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती है, ठीक है। और जो अपना कर्व है, सप्लाई कर्व, वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, बढ़ती हुई। तो ये पॉजिटिव स्लोप को बताती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो सप्लाई को जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।